इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर, एक दिन में 1,65,000 से ज्यादा पॉजिटिव, 2,73,000 से ज्यादा लोग रिकवर, 24 घंटे में 3,460 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 20,740 नए कोरोना केस, 424 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 929 नए केस, 30 लोगों ने गंवाई जान। नागपुर में कोरोना के 365 नए केस, 1,333 मरीज ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना से 12,193 बीमार, 145 की मौत। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 22,823 लोग संक्रमित, 401 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 14,429 लोग संक्रमित, 103 लोगों की जान गई। दिल्ली में 1,141 नए मामले, 139 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 2,402 नए मरीज आए सामने, 159 लोगों की जान गई। यूपी के 2 जिलों में कोरोना से हुए मुक्त, 53 जिलों में नए केस 100 से भी कम। सीएम योगी ने नए ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की, कहा दूसरी लहर खत्म होने की स्थिति में है। ओडिशा में 7,216 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 7% से नीचे। असम में एक दिन में कोरोना के 5,436 नए केस, 80 की मौत। मेरठ में कोविड सैंपल कलेक्शन सेंटर पर कर्मचारियों की लापरवाही, मरीज के परिजन ने खुद ही लिया सैंपल। असम के एक स्टेडियम में डीआरडीओ बना रहा 300 बेड का कोविड केयर सेंटर। अमेरिका की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने M4B दवा की 50,000 वायल भारत भेजी। शिमला में ब्लैक फंगस ने पैर पसारे, IGMC में भर्ती 2 मरीजों की मौत। राजस्थान के कोटा में एक अस्पताल में 3 संदिग्ध ब्लैक फंगस के मरीजों की मौत। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, कोरोना की दूसरी लहर के लिए ठहराया जिम्मेदार। राहुल ने मृत्यु दर को बताया झूठ, सरकार से सच बताने को कहा। राहुल ने वैक्सीनेशन पर भी उठाए सवाल, कहा अगर इसी तरह चलता रहा तो 2024 तक पूरी जनता का हो पाएगा वैक्सीनेशन। राहुल के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, भारत में टीकाकरण दिसंबर 2021 से पहले हो जाएगा पूरा। प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर टीके को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा गड़बड़ी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान, भारत महान नहीं भारत बदनाम है। कमलनाथ के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, सत्ता जाने के बाद खो दिया मानसिक संतुलन। डीआरडीओ की कोविड दवा की कीमत 990 रुपए तय, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलेगा डिस्काउंट। सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिला प्रशासकों को दिया निर्देश, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों का डेटा आज NCPCR की वेबसाइट पर अपलोड करें। भारत बायोटेक का बड़ा बयान, कहा मार्च में बनी वैक्सीन का बैच जून में सप्लाई होगा। कोवैक्सीन के उत्पादक टेस्टिंग, रिलीज और डिस्ट्रीब्यूशन में 120 दिन लगते हैं। वैक्सीन उत्पादन के लिए सरकार PSU कंपनियों की भी सपोर्ट करेगी, मिशन कोविड सुरक्षा के तहत उठाया कदम। 12वीं परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 31 मई तक चली, कोर्ट ने कहा तब तक इस पर कोई हल आने की उम्मीद। अमेरिका में US स्टेट सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की, अमेरिका ने कहा कोरोना की शुरुआत में पहले भारत ने हमारी मदद की, अब अमेरिका की बारी। कोरोना काल में ईरान ने की भारत की मदद, 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेजे। आप विधायक आतिशी का केंद्र सरकार पर आरोप, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को फायदा पहुंचाने के लिए वैक्सीन की कमी पैदा की गई। राजस्थान सरकार ने वैक्सीन की बर्बादी के आंकड़े को किया खारिज, 11,50,000 खुराक की बर्बादी की कही गई थी बात। केरल सरकार ने विदेश जाने वालों को दी राहत, पासपोर्ट नंबर के साथ कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी होगा। केरल के CM ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, प्रदेश में लगातार वैक्सीन सप्लाई के लिए कदम उठाने की मांग की। यूपी के एटा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को कोविड किट में दी गई एक्सपायर दवाएं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाए गए प्रतिबंध 30 जून तक के लिए बढ़े, DGCA ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान। दिल्ली में 31 मई से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया, CM केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली में सोमवार से शुरू होगी कंस्ट्रक्शन गतिविधियां और फैक्ट्रियां, केजरीवाल ने कहा फैक्ट्रियों में बिना लक्षण वाले मजदूर ही कर पाएंगे काम। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे का बयान, काबू में है कोरोना, बोले पॉजिटिविटी रेट घटने पर पाबंदियों में देंगे छूट। पुणे में वीकेंड पर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को छूट मिलेगी, राजेश टोपे ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनलॉक प्रक्रिया पर राज्यों के मंत्रियों के साथ चर्चा की, जरूरी निर्देश जारी किए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना की पाबंदियों को 7 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ाया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सस्पेंड।
हरियाणा में 15 जून तक बढ़ाई गई गर्मी की छुट्टियां, कोरोना के चलते सरकार का फैसला। तेलंगाना में गाइडलाइंस तोड़ने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, ट्रक में लादकर पहुंचाया आइसोलेशन सेंटर। तमिलनाडु में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया, सख्ती के बावजूद राज्य में कम नहीं हो रहे केस। बंगाल में तूफान प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी ने की मीटिंग, समीक्षा बैठक में आधे घंटे की देरी से पहुंची सीएम ममता बनर्जी। समीक्षा बैठक में देरी से पहुंचने के बाद ममता बनर्जी ने तूफान से जुड़ी रिपोर्ट सौंपी, फिर दूसरी मीटिंग में चली गई। ममता के एक नजदीकी का दावा था, 20 मिनट देरी से आने को कहा गया था, 15 मिनट की और स्वाभाविक देरी हो गई। सूत्रों के मुताबिक ममता को पहुंचने के बाद भी इंतजार करने को कहा गया क्योंकि मीटिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी। बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को डीओपीटी विभाग में वापस दिल्ली बुलाया गया, 31 मई से पहले तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश। ममता बनर्जी के रवैये को गृहमंत्री अमित शाह ने अहंकार से भरा बताया, कहा दीदी ने अहंकार को तरजीह दी। ममता के रवैये को रक्षा मंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा संघीय व्यवस्था की मूल भावना आहत हुई। बंगाल के गवर्नर का बयान, ममता मीटिंग में हिस्सा लेती तो राज्य का भला होता। शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर निशाना साधा, कहा दीदी के व्यवहार में तानाशाही दिखती है। पीएम ने ओडिशा के भद्रक और बालासोर का किया हवाई सर्वे, बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में भी यास तूफान से हुई तबाही का जायजा लिया। ओडिशा, बंगाल, झारखंड को 500 करोड़ का राहत पैकेज, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा। सीएम नवीन पटनायक के साथ पीएम की बैठक, ओडिशा ने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मांगा। मीटिंग के बाद बोले नवीन पटनायक, देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में आर्थिक मदद मांगने से केंद्र पर बोझ बढ़ता। विवादों के बीच ममता ने दीघा इलाके का दौरा किया, तूफान से नुकसान का जायजा लिया। ममता बनर्जी आज भी तूफान प्रभावित इलाकों का करेंगी एरियल सर्वे, नुकसान का लेंगी जायजा। ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना का भी किया हवाई सर्वे, ज्यादातर इलाके पानी में डूबे दिखे। भद्रक में तूफान यास की तबाही का मंजर, लोगों को ऊंचे इलाकों में शिफ्ट किया गया। ईस्ट मिदनापुर में दिखा तबाही, चारों तरफ मलबा, रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी। तूफान यास से बिहार में 7 लोगों की मौत, प्रदेश सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। पटना में दिखा यास तूफान का प्रभाव, बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। पटना के जयप्रभा हॉस्पिटल में भरा पानी, मरीजों को हुई परेशानी। बिहार के कटिहार में सदर हॉस्पिटल में भी भारी बारिश से जलभराव और पानी के बीच काम करने को मजबूर कर्मचारी। बिहार के हाजीपुर में सदर अस्पताल की भारी बारिश से बदहाल स्थिति, अस्पताल के अंदर घुसा पानी, मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज के ENT वार्ड में भरा पानी, ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए तैयार हुआ था वार्ड। सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, कई कंपनियों ने अधिकारियों का पता बताया। केंद्र सरकार ने कहा ट्विटर नहीं फॉलो कर रहा नियम, नोडल ऑफिसर की जगह एक लॉ फर्म में काम कर रहे वकील की डिटेल दी गई। राहुल ने टूलकिट को किया खारिज, कहा यह बीजेपी का आविष्कार। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल के बयान को देश का अपमान बताया, कहा टूलकिट कांग्रेस ने ही बनाया। चीन को सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की 2 टूक, लद्दाख में सभी जगहों पर चीनी सेना के वापसी के बगैर नहीं खत्म होगा तनाव, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। पुणे की NDA एकेडमी में आज 140 जवानों की पासिंग आउट परेड हुई, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह कार्यक्रम में मौजूद। PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश में लगे भारत की उम्मीदों को झटका, प्रत्यर्पण पर फिलहाल रोक, अगली सुनवाई 2 जून को। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सिद्धार्थ पिठानी को 5 दिन की NCB हिरासत में भेजा गया। छत्रसाल स्टेडियम में मौर्य के मामले में विजेंद्र नाम के एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई, कुल 9 गिरफ्तार। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 17 पहुंचा, 12 लोगों का इलाज अब भी जारी। ठाणे जिले के उल्लासनगर इमारत हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत, एक शख्स जख्मी। राजस्थान के भरतपुर में दिनदहाड़े बाजार में डॉक्टर दंपत्ति की गोली मारकर हत्या। कोल्हापुर में मराठा आरक्षण के खिलाफ बयान देने वाले डॉक्टर की अस्पताल में तोड़फोड़। यूपी के जौनपुर में ग्राम पंचायत की पहली बैठक में बवाल, डंडे और रॉड से 2 गुटों में मारपीट। बिहार के जहानाबाद में पुलिस वालों पर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा, पुलिसकर्मियों ने ट्रिपल लोडिंग बाइक सवार को पीटा था। सीतापुर में आंधी पानी की वजह से शादी के पंडाल में उतरा करंट, 4 की मौत, 3 झुलसे, 11,000 वोल्टेज लाइन के नीचे लगा था पंडाल। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक सोसाइटी में दिखा लेपर्ड, तेंदुए के देखे जाने से आसपास के लोगों में दहशत। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में तालाब से एक मगरमच्छ का रेस्क्यू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सनकी ने चाकू से पुलिस वाले को घायल किया, 2 और जवानों की गोली मारकर जख्मी किया। म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल राजदूत का बयान, का हालात अभी भी खराब। जापान सागर में मालवाहक जहाज एक शिप से टकराया, 9 क्रू मेंबर का रेस्क्यू, 3 लापता।
आज बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग, आईपीएल के बाकी बचे मैचों पर हो सकता है फैसला। भारत की महिला क्रिकेटर्स को लगी कोरोना वैक्सीन की फर्स्ट डोज। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक, कोविड से जुड़ी राहत सामग्रियों के आयात में छूट की सीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई गई। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला, ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम4बी को टैक्स में दी गई छूट। मीटिंग में छोटे करदाताओं को राहत देने का फैसला, विलंब शुल्क को कम करने के लिए एमनेस्टी योजना की सिफारिश। एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई ने लगाई मॉनिटरी पेनल्टी, 10 करोड़ का भरना पड़ेगा जुर्माना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।